एक फूड इंस्पेक्टर ने स्थानीय पत्रकार को फोन पर जान से मारने की धमकी दी, जिसका ऑडियो काफी वायरल हो रहा है। पत्रकार ने फूड इंस्पेक्टर के खिलाफ पुलिस अधीक्षक को लिखित शिकायत दी और उस पर कार्रवाई की मांग की। वहीं फूड इंस्पेक्टर ने भी पुलिस को इस मामले की सूचना दी। दरअसल सिंगरौली फूड इंस्पेक्टर किशनपाल सिंह राशन दुकान की जांच में पहुंचे थे, जहां उन्होंने ग्रामीणों से कहा कि एक महीने का राशन कंप्यूटर में दिख रहा है, इसलिए आप लोगों को सिर्फ एक ही महीने का राशन मिलेगा। जिस बात पर ग्रामीण गुस्सा हो गए और वहां विवाद की स्थिति निर्मित हो गई, जिसका कवरेज स्थानीय पत्रकार अतुल दुबे कर रहे थे। और जब अतुल दुबे वहां से लौटे तो फूड इंस्पेक्टर किशनपाल सिंह ने फोन पर उनको धमकी दी और उनके साथ अभद्रता की। पत्रकार अतुल दुबे फूड इंस्पेक्टर की लिखित शिकायत पुलिस अधीक्षक से करके धरने पर बैठ गए हैं और फूड इंस्पेक्टर के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। वहीं SDM ने इस मामले को लेकर कहा कि मामले की जांच की जा रही है। बिल्कुल, इस मामले में चूंकि कल और परसों में जो घटना घटी है, इसमें जिला प्रशासन के संज्ञान में बातें आई हैं और वैसी इस संबंध में संबंधित अग्रिम कार्रवाई या जांच के संबंध में अभी चीजें अंडरस्टूड हैं और आगे कार्रवाई में प्रचलन में है। कैप्टन महोदय के आते से इसमें जो भी जांच की कार्रवाई है या अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। पुलिस अधीक्षक कार्यालय में कलेक्टर साहब को दिया गया है और कोतवाली थाना प्रभारी को। हमारी चार मांगे हैं कि सबसे पहले तो इस व्यक्ति के ऊपर आपराधिक मामला दर्ज किया जाए, जिस प्रकार से खुलेआम गालियां दे रहा है, जान से मारने की धमकी दे रहा है। और दूसरी बात, इसको यहाँ से हटाया जाए। इसके अलावा पूर्व में जितनी भी राशन की दुकानें हैं इसके अधीन में है, एक दो साल का इसका ऑडिट करा लिया जाए कि आखिर कितना राशन आया, कहाँ गया, इनकी सच्चाई दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये सब मांगे हैं और मुझे उम्मीद कम है क्योंकि जिस तरीके से सिंगरौली में कानून व्यवस्था पिछले चार दिन से कानून व्यवस्था की क्या स्थिति है, एक तो अधिकारी खुलेआम गाली दे रहा है लेकिन उस पर आज तक पंजीबद्ध नहीं हो पाया, मामला नहीं हो पाया और आज तक अभी कोई रिस्पॉन्स नहीं है। मुझे हमारा ये धरना जारी रहेगा जब तक कि एक न्याय नहीं मिलता। मध्य प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का उपहार सभी पात्र महिलाओं को दिया गया है। इसके तहत उन्हें प्रतिमाह 1,000 रूपए दिए जाएंगे। ये राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाई जाएगी। योजना की प्रक्रिया बेहद सरल और निःशुल्क है। योजना से जुड़ने के लिए बहनों को कहीं भटकने की आवश्यकता भी नहीं है। 10 जून को पहली किस्त बहनों के खाते में आ जाएगी, 1,000 रुपया की पहली किस्त। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी हेल्पलाइन नंबर 07552700800 एवं वेबसाइट cmlaadlibehna.mp.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है। बढ़ चलो लाडली बहना। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।